दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमेठी में राजनीति तेज है। यहां पर कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच आरोप प्रत्यारोप जोरों पर है। मामला शुरू हुआ अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर प्रशासन के छापे के आरोप से, फिर जा पहुंचा तीन लोगों की पुलिस गिरफ्तारी पर। यहां पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में स्मृति ईरानी सेल्फ गोल कर बैठी। उन्होंने अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं को कांग्रेस का बता दिया। कांग्रेस ने फौरन जवाब दिया और स्मृति पर फेक न्यूज का आरोप मढ़ दिया। अब क्या है ये पूरा मामला? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों अमेठी के लिए राहत सामग्री भेजी थी, जिसे गौरीगंज के जनसंपर्क कार्यालय पर रखा गया था। 19 अप्रैल को प्रशासन के अधिकारी अमेठी में कांग्रेस कार्यालय में गए थे। इनमें तहसीलदार और कुछ पुलिस कर्मी थे। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनके कार्यालय पर छापा मारा है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि स्मृति ईरानी जी, आप बड़ी भूल कर रही हैं। खुद आपने मंत्रालय से अमेठी को कुछ दिया नहीं। अगर राहुल जी, प्रियंका जी मदद कर रहे हैं तो अधिकारियों से छापा डलवाया जा रहा है। ये सब सामान अमेठी की उस जनता के लिए है जो कांग्रेस के परिवार जैसी है। छापा मारने वाले अधिकारियों को लेकर जवाब देना पड़ेगा। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये मुद्दा उठाया है। साथ ही कांग्रेस के अकाउंट से भी आरोप को दोहराया गया है। मामला गरमाने के बाद अमेठी के डीएम ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि छापा मारने की बात झूठी है। बाद में गौरीगंज के एसडीएम ने भी पत्र जारी किया। इसमें कहा कि राजस्व विभाग के कर्मचारी राहत सामग्री के लाभार्थियों की लिस्ट लेने के लिए कांग्रेस कार्यालय गए थे, छापेमारी नहीं हुई है। अब स्मृति ईरानी का पलटवार। 20 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी डीएम को रिट्वीट किया। साथ ही लिखा कि आदरणीय कांग्रेस, कृपया फेक न्यूज ना फैलाएं। आपके कार्यकर्ता 25 मार्च से अमेठी में इसी प्रशासन के माध्यम से पास लेकर घूम रहे हैं राहत देने के नाम पर। आज तक इसी प्रशासन ने अमेठी को कोरोना मुक्त रखा है। इन्हें परेशान एवं बदनाम ना करें। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया। इसमें खबर की फोटो लगी थी। फोटो में लिखा था कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष का भांजा बेयर के साथ गिरफ्तार। स्मृति ईरानी ने साथ ही लिखा कि क्या कांग्रेस इसका बदला ले रही है अमेठी प्रशासन से। स्मृति के ट्वीट को कांग्रेस ने बताया है फेक न्यूज। ये ट्वीट सामने आने के बाद कांग्रेस ने हमला तेज कर दिया। यूपी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्मृति ने फोटोशॉप का ट्वीट किया है। कहा गया कि मंत्री की फोटो में जो युवक दिख रहा है उसका परिवार बीजेपी से जुड़ा हुआ है। यूपी कांग्रेस ने लिखा कि माना कि आपके पास येल की डिग्री है, लेकिन जब फोटोशॉप करती हैं तो फोटो तो अपने कार्यकर्ता का नहीं लगाना चाहिए मंत्री महोदया। खबर में उसको कांग्रेस वाला बता रही हैं और फोटो में जो आपके साथ खड़ा है। मंत्री जी, कुछ काम करनी तो आज फोटोशॉप नहीं करना पड़ता। वही एमएलसी दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी पर फेक न्यूज का आरोप लगाया। उन्होंने गिरफ्तार व्यक्ति को बीजेपी का बताया है। अपने पक्ष में उन्होंने गिरफ्तार व्यक्ति की फेसबुक पोस्ट भी शेयर की है। इंडिया टुडे के पत्रकार आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि अमेठी पुलिस ने कुछ दिन पहले कुछ युवकों को लॉकडाउन तोड़ने पर अरेस्ट किया था। ये युवक शराब खरीदने के लिए बाहर निकले थे। इन्हें युवक को कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है और स्मृति ईरानी इन्हें कांग्रेस कार्यकर्ता कह रही है। लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता गोविंद सिंह चौहान ने माना कि अरेस्ट किए गए नेता बीजेपी से जुड़े हैं। इनमें से एक बीजेपी के पुराने नेता अनूप अग्रवाल का बेटा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे थे ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी अभिषेक ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है corona diaries lt@gmail.com।
आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द ललन टॉप।